लेट्स डू ब्रह्मनाद ओम ओम शांति 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 स्वस्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास आई डिस्कस्ड अबाउट द आयोनिंग रेडी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इट इज डिनोटेड बाय चाय ए द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड is called electronegativity. Suppose I want to explain the electronegativity with an example. Suppose this is your HCl molecule. In HCl molecule there are one pair of electron, this is your one pair of electron, this is your single covalent bond. Is your covalent bond re जो दुईटी इलेक्ट्रॉन अच्छी, दिस टू इलेक्ट्रॉन आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन आटम। ए दुईटी जाक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आटम आड़े अट्रैक्ट होकर रही था, से जो टेंडेंसी जाक आम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही था। फॉर एग्जांपल आम क्लोरीन कथा कहवा, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन आटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। कहवार मीनिंग हैला एक्चुअली एठारे शेयरिंग हेछंदी इलेक्ट्रॉन, ता अर्थ ए जो बॉन्ड उपरे हाइड्रोजन रे जति कि राइट अछि क्लोरीन नो मध्य सेतिके राइट अछि। यदि से दृष्टिकोण आम देखा ताले ये जो इलेक्ट्रॉन दीटा परस्पर ठारो गोटे इको डिस्टेंस मेंटेन करके रहा कथा, किंतु क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक हेबा जको ये जो इलेक्ट्रॉन टा कंप्लीटली क्लोरीन आड़े न जाए क्लोरीन आड़ को जाए था। ता अर्थ आम यदि ड्रॉ करिबा डायग्रामेटिकली ताले एमती हम एक्चुअली गोटे इलेक्ट्रोन रहा था गोटे इलेक्ट्रोन सपोज रहा इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी जो कौन ना ये इलेक्ट्रोन टी घुंची जाए क्लोरीन आड़े जाए मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ताड़े सैड पेयर इलेक्ट्रोन घुंची कर अनदर एग्जांपल आम वाटर कथा देखा। वाटर रे दुईटी सिंगल बॉन्ड अच्छी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हेथिया जोंदो ई जो इलेक्ट्रॉन कुडा के कोन हो ना ऑक्सीजन आड़े शिफ्ट हो, माने एक्चुअली एड रहबा था एड रहबा था किंतु एडी दे दिबो ए इलेक्ट्रॉन एड रहबा था एडी दे दिबो माने टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहले द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिमेम्बर एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, आर किसी यूनिट नहीं पिले। यदि गोटे आटम रो पिले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैला ताहले से आटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को निज आड़े अधिक टाणिबो, दैट मींस ए ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आटम, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल देखो पिले HCl केस रे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थारो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक, तेनो क्लोरीन निजाड़ को बेसी टाणी करी रखिछ। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट मेजर्ड, बट इट इज डिराइव्ड इनडायरेक्टली बाय वेरियस मेथड इन डिफरेंट स्केल्स। सच स्केल्स आर मुलिकन स्केल,
these are the scales which are used to derive the electronegativity of an atom. In periodic table, fluorine having highest electronegative value. The electronegativity of fluorine is 4. On the other hand, fluorine is less electropositive. Electropositive is the reverse of electronegativity. The tendency of an atom to lose electron and become positive ion, that is called electropositivity. The atom which loses electron more easily, that means the atom having more electropositivity character, that is a more metallic character. More electropositivity character means more metallic character. Generally, the element which shows more electropositivity character are said to be more metallic character. Next, I will explain about the variation of electronegativity in the modern periodic table. The value of electronegativity increases from left to right along a period. This is due to the increase in the nuclear charge, as a result of which the added electron can be held more tightly. If you think about the electronegativity of second period element, then the electronegativity of lithium is less than beryllium, and beryllium less than boron, then boron less than carbon, then carbon less than nitrogen, like this. On the other hand, the electronegativity value decreases down a group from top to bottom. Suppose I want to take the group 17 element. The group 17 elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine. The electronegativity of fluorine is greater than chlorine, greater than bromine, greater than iodine. Next, I will explain about the factors. What are the factors affecting the electronegativity? First point is size of the atom. Smaller the size of atom, greater the value of electronegativity. Because smaller the size of atom, greater is the effective nuclear charge. If greater is the effective nuclear charge, then it has more tendency to attract the electron towards itself. That's why smaller the size of atom, greater the value of electronegativity. Second point is, higher the nuclear charge, more will be the electronegativity value of an element, since the nucleus will be able to attract more electron towards itself. That means the nuclear charge is direct proportional to the electronegativity value. Next point is, if the outermost electron shielded the nucleus effectively, then the nuclear charge decreases and hence the electronegativity of the element decreases. That means, suppose this is your nucleus, this is your K cell, this is your L cell. Suppose an electron is present here. If the L cell shielded more to the nucleus, then the effective nuclear charge decreases towards the added electron. That's why this type of element have less tendency to attract the electron towards itself, and it is considered as such type of element have less electronegativity value. These are the factors affecting the electronegativity. Next, I will explain about the valency. Valency को हमें उड़िया रे जोज्यता बोले कोई था। The number of electron lost or gained or shared with an atom of an element in order to attain the stable configuration of nearest inert gas element is called valency. माने गोटे आटम को केतोटी इलेक्ट्रॉन लॉस करिया पड़ियो बा गेन करिया पड़ियो बा शेयर करिवो, जा द्वारा कि सीए
नियरेस्ट इनर गैस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन से अटेन कर पारिबो। फॉर एग्जांपल आमे सोडियम कथा कहवा, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, द इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन ऑफ सोडियम इज 281। वी नो दैट व्हेन एन एटम ओबे ऑक्टेट रूल और डुअलेट रूल देन दैट एटम सेड टू बी स्टेबल एटम। ऑक्टेट रूल मींस अष्टक सूत्र। वैलेंसी सेल रे 8 इलेक्ट्रॉन रहिले तको आमे स्टेबल बोली कहिथौ, किंबा हीलियम परी वैलेंस सेल रे 2 इलेक्ट्रॉन रहिले मते आमे स्टेबल कहिथौ। लुक एट दैट, इन द वैलेंसी सेल ऑफ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तार अर्थ सोडियम गोटे अनस्टेबल। सोडियम रो सबोले गोटे टेंडेंसी थी स्टेबल हवा पाए, से का पर स्टेबल हवा चाहूंथिबो, तार पाखरे थिबा इनर्ट गैस ओली स्टेबल हवा चाहूंथिबो। तार पाखरे जो इनर्ट गैस अछि से हला नियम। नियम रो एटॉमिक नंबर 10, द इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन ऑफ नियम इज 28। सोडियम सबोले वांटिंग करथिबो जैसे कि परि नियम रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन अटेन करी स्टेबल हवा, सेति पई सोडियम को कम करिया पड़े ना गोटी इलेक्ट्रॉन लॉस करिया पड़े। गोटे एटम स्टेबल केमती हबो, एकरे गेन करिकी इलेक्ट्रॉन नले लॉस करिकी नले शेयर करिकी इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होई थाए। एठारे सोडियम रो 1 इलेक्ट्रॉन अछि वैलेंस सेल रे, तनो से गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो आ नियम रो इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन अटेन करिवो। That's why the valency of sodium is 1. जोटा क्या मैं monovalent बोली कही था। इटारे sodium गोटी इलेक्ट्रॉन लॉस कला, तेरो sodium रो valency 1 बोली कहा गया। कारण आमर definition गोची the number of electron lost or gained or shared with an atom of an element in order to acquire the stable configuration of nearest inert gas element. Itale the number of electron lost is your 1, so the valency of sodium is 1. Take another example. Suppose think about chlorine. The atomic number of chlorine is your 17. The electronic configuration of chlorine is your 2, 8, 7. The nearest inert gas of chlorine is your argon. Argon is the nearest noble gas, that is your inert gas or zero gas. Argon having atomic number 18, the electronic configuration of argon is 2, 8, 8. Chlorine ra sabule wanting thae, see kemiti argon ra stable electronic configuration attain karibo, सेथिपाई क्लोरीन को गोटे इलेक्ट्रॉन आवश्यक पड़ता है, तेणु क्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन अन्य कटार गेन कर गेन कर 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन होता है, जहां कि आर्गन रो इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन सहित समान होता है। इन दिस केस द क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन is 1. Similarly, आमे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कथा कहिबा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रे सिंगल बॉन्ड अछि, एठारे दिस हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट द सिंगल बॉन्ड विल बी पॉसिबल। एठारे हाइड्रोजन गोटे शेयर करथियो जको हाइड्रोजन रो वैलेंसी होची 1। फाइनली वी कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड विद एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द वेरिएशन ऑफ valency along the period and along the group in the modern periodic table. The number of valency electron increases
from 1 to 8 on moving across a period. The valency of the element with respect to hydrogen and chlorine increases from 1 to 4 and then decreases. Let me explain with example. Look at that. In this table, hydride and chloride of element present in the second period are listed. Here, the hydride of elements of second period are listed. In this period, the chloride of element present in the second period of the modern periodic table are listed. Look at that. The valency of the element present in the second period goes on increases up to 4, then decreases. Due to similarity of electronic configuration, the elements of a group have the same valency. Thus, all the elements of group 1 have one valency, while group 2 element have valency 2. That means the valency of group 1 element is 1, while the valency of group 2 element is 2. The element present in the first group are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Each element present in the first group have same electronic configuration. That means each element of first group have one electron in the valency shell. So the valency of each element of first group is 1. So I can write here, the valency of hydrogen is 1, the valency of lithium is 1, sodium is 1, potassium is also 1, rubidium is also 1, cesium is also having 1, francium also having 1. Similarly, if you think about the second group, then the element present in the second group have same electronic configuration. That means the second group element have 2 electrons in their valency shell. So the valency of the second group element is 2. The second group elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. The valency of each element present in the second group are 2. This is all about your valency. Next I will explain about the oxidation state. Oxidation state kaiba artha jaranaanga boli kaita odiyale. According to the IPAC definition, oxidation state is a measure of the degree of oxidation of an atom in a substance. Oxidation state can be either positive, negative or zero. Let me explain with an example. Kisam purbaru ami kahile sodium ra valency hochi 1. सेपरी क्लोरीन का वैलेंसी मध्य हुआ सोडियम केस रे गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करी थे तो तार वैलेंसी वाला हुआ क्लोरीन केस रे गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करी थे तो तार वैलेंसी वाला हुआ किंतु सोडियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीटली डिफरेंट सोडियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्लस 1 क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला माइनस 1 यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तार ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस रहता है यदि इलेक्ट्रॉन गेन रहता है ताहले तार ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रे आसी थाए सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कला तण तार ऑक्सीडेशन स्टेट आला प्लस 1 ऑन द अदर हैंड क्लोरीन गेन वन इलेक्ट्रॉन सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज माइनस 1 दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी and oxidation state. Next I will explain about the variation of oxidation state along the period and group.
generally on moving from left to right in a period, the oxidation state goes on increasing then decreasing, but there are few exceptional cases are also found. Look at this table. In this table, the oxidation state of the elements belongs to the fourth period of modern periodic table are listed. Look at that. Here the oxidation state goes on increases then decreases. Remember, all the oxidation state of the elements, these are the hydrate of element belongs to the second period. Now I want to find out the oxidation state of the elements in the corresponding hydrate. The oxidation state of lithium in LiH is +1. The oxidation state of beryllium in BH2 is +2. Oxidation state of boron in BH3 is +3. Oxidation state of carbon in CH4 is -4. Oxidation state of nitrogen in NH3 is -3. Oxidation state of oxygen in water is -2. Oxidation state of fluorine in HCl is -1. Actually, this oxidation state बाहर करिया पई किछि नियम अछि. से नियम तमे यदि फॉलो करियो ताहाले तमे प्रत्येक एटम बा एलिमेंट रो तमे ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर करि परबो. आई विल टीच यू द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिडक्शन रिएक्शन चैप्टर. ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम. Therefore, all the elements in the group exhibit same oxidation state. Remember an important point, since the valency of the element present in a particular group is same, so the oxidation state of the element present in that group must be same. Take an example, suppose I want to think about the group 1 element. The group 1 element are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. The oxidation state of all the elements are +1. Similarly, think about the element present in the second group. The element present in the second group are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Since the valency of the element present in the second group are 2, so the oxidation state of these elements must be same as +2. All the elements present in the second group must show +2 oxidation state. This is all about the oxidation state. Next, I will explain about the nomenclature of elements with the atomic number more than 100. To naming the elements with atomic number more than 100, we generally follow a set of rules. If the digit is in 0 or 0 digit, we generally use a root name, that is your nil, and the abbreviation is your n. For digit 1, we generally use the root name, that is your on, and the abbreviation is your U. For digit 2, the root name is your by, the abbreviation is your B. For digit 3, the root name is your tri, the abbreviation is your T. For digit 4, the root name is your quad, the abbreviation is your Q. For digit 5, the root name is your pen,
The abbreviation is your P. For digit 6, the root name is your hex. The abbreviation is your hex. Similarly, for digit 7, the root name is your sept. The abbreviation is S. For digit 8, the root name is your oct. The abbreviation is your O. For digit 9, the root name is your in and the abbreviation is your e. Suppose an element having atomic number 101, then what will be the name? Dekho pehle ite 1 achi. 1 pe ame kon dose? Ion dose. So first e ion lagao. Tapre dekho pehle ite 0 achi. 0 pe kon dele nil. Tenu nil lekha. Tapre kon achi pehle 1 achi. तेणु 1 पाई इवन लगा देखो 1 पाई इवन कराला 0 पाई नील कराला 1 पाई इवन कराला फाइनली एक्स्ट्रा व्हाट वर्ड यूज करियो आई इवन ता अर्थ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर 101 हैविंग ए नेम दैट इज योर यून नील यून यम दैट इज कॉल्ड यून नीली यूनियम से पर आमे मन कर 105 अछि जण कर एटॉमिक नंबर तार ता नाम कोन हो 1 पाई यूएन लेख 0 पाई नील लेख 5 पाई पेन लेख आ फाइनली आई यूएम वर्ड जॉइन कर ताले जो एलिमेंट अछि जार की 105 एटॉमिक नंबर दा ना लगानो यूनिल पेंटियम इला आर सिंबल कोन हो 101 जार एटॉमिक नंबर अछि तार सिंबल कोन हो अच्छा यूएन पाई यू पगोच नील पाई एन पगोच अगेन 1 अछि सेत पाई यूएन रूट नेम लिखुच अब्रिवेशन ला यू तणा आसीडे यू तमाने 101 थिबा एटॉमिक नंबर एलिमेंट रो सिंबल ला यू एन यू वर्दन आर सिंबल बनाओ बले यू एन पी सपोज आमे अन्योडे एलिमेंट नवा जर एटॉमिक नंबर हो जे 118 आर नेम बनाओ आर सिंबल बनाओ देखिबा 1 लिखा है जी तेनो यूएन लिखा अगेन 1 लिखा है जी पुनी अदरी यूएन लिखा 8 लिखा है जी 8 पे हमें ऑट लिख जे लास्ट को आईयूएम वर्ड जॉइन कर दिस इज द नेम ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 118 देन व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट For UN, the abbreviation is your U. For again UN, we can use also the abbreviation U. For OCT, the abbreviation is your O. So, the symbol of the element whose atomic number 118 is UUO. These are the list of elements starting from atomic number 101 to 118. These are the names of element which is made by the rules. These are the symbol of the corresponding elements which are also made by rules. These are the list of IUPAC official name and also these are the IUPAC symbol of the elements. Remember the name and symbol of these elements. Next, I will solve a question. Arrange the following according to the increasing order of atomic ready. The elements are nitrogen, carbon, boron, aluminum.
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक ग्रेडिएंट से सजाय पाए कोला तो इति पाए हमें पिले मॉडर्न पीरियड टेबल डी कंप्लीटली माने रखियो पड़िबो को एलिमेंट को ग्रुप रे अछि को पीरियड रे अछि हमको माने रखले ही हमें एगुडा को सजाय के रख परिया माने रखियो पिले हमें यदि एटॉमिक रेडी कथा कहबा पीरियड हिसाब रे एटॉमिक रेडी लेफ्ट टू राइट जाए डिक्रीज करी करी जाए यदि हमें टॉप टू बॉटम देखिबा ताले एटॉमिक रेडी इंक्रीज करी करी जीव मन रख ये पॉइंट उठा दो एटॉमिक रेडी कथा यदि कहबा लेफ्ट टू राइट गले डिक्रीज करी करी जीव टॉप टू बॉटम गले इंक्रीज करी करी जीव देखा आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट गले इंक्रीज करी टॉप टू बॉटम गले डिक्रीज करी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट गले इंक्रीज करी करी जीवो टॉप टू बॉटम गले डिक्रीज करी करी जीवो नेक्स्ट हैला इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट गले इंक्रीज करी करी जीवो टॉप टू बॉटम गले डिक्रीज करी करी जीवो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम टाइप एटॉमिक रेडी और यू कैन थिंक अबाउट द आयोनिक रेडी हम यदि कहवा ताले टॉप टू बॉटम हमार इंक्रीज कर के जीव किंतु लेफ्ट टू राइट केते के से डेविएशन देखेबो किंतु एटॉमिक रेडी लेफ्ट टू राइट तमरा डिक्रीज कर के जीव आम को ये एलिमेंट गुडा को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियंस रे सजाय पड़ो आम को ये एलिमेंट गुडा को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियंस रे सजाय पड़ो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15 कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 बोरोन बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एल्युमिनियम बिलोंग्स टू आल्सो ग्रुप 13 तमाने 13 तापरे 14 तापरे 15 हमें जानी जे एटॉमिक रेडी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करी करी जाउछ एठा तो रहला बोरोन तादळ रहला एल्युमिनियम एठ रहला कार्बन एठ तो रहला नाइट्रोजन अगेन हमें जानी जे टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडी इंक्रीज करछि ता अर्थ एल्युमिनियम रो एटॉमिक रेडी सबठारो अधिक एज कंपेयर्ड टू बोरोन पुणी जान जे प्ले लेफ्ट राइट गले एटॉमिक रेडी कमुचि ता अर्थ नाइट्रोजन रा एटॉमिक रेडी सबठारो कम नाइट्रोजन कम काठारो कार्बन कार्बन काठारो कम हो बोरोन सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडी ऑफ दिस एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन स्मॉलर देन कार्बन कार्बन स्मॉलर देन बोरोन बोरोन स्मॉलर देन एल्युमिनियम सेपरी तुम पचरा हम ए एलिमेंट गुडा को आयोनाइजेशन एनर्जी अनुसार सजाओ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर रे पचार कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रे लिखा कही मन इच्छा एलिमेंट तुमको दिखाई से गुडा को इंक्रीजिंग ऑर्डर बा डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सजाओ एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रे दिथिबो नले कहि दे मेटालिक कैरेक्टर अनुसार से मानको इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजाओ किबा डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सजाओ नले गारे दिथियो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अनुसार सेही एलिमेंट गुडा को इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजाओ नले डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सजाओ बोले एंती क्वेश्चन पचार थिबो मन इच्छा जे कोनसी एलिमेंट दे दिथिबो से एलिमेंट गुडा को तमे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सजाओ पडिबो एकरे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहिथिबो नले एटॉमिक रेडी हिसाब रे कहिथिबो नले आयोनिक रेडी हिसाब रे कहिथिबो नले आयोनाइजेशन एनर्जी हिसाब रे कहिथिबो नले तमरो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हिसाब रे कहिथिबो एनी क्वेश्चन मध्ये तमरो पचारि करियो सेति पय तमको पहिले मन रखियो पडियो गोटे एलिमेंट ए को ग्रुप रे अछि को पीरियड रे अछि तमे जानि देला यदि
एलिमेंट पर्टिकुलर को ग्रुप को पीरियड अच्छी तुम तल उपर एम लिख का परे किए अच्छी का पूर्व किए अच्छी तुमको सिक्वेन्स करदे तुम जानद एक्चुअली एटॉमिक रेडी बढ़ी बढ़ी जीव ना कमी कमी जीव कारण आम आगर ये फंडामेंटल जानचे एटॉमिक रेडी कह अर्थ लेफ्ट राइट गले डिक्रीज कर टॉप टू बॉटम गले इनक्रीज कर आयनाइजेशन एनर्जी कह मानते लेफ्ट राइट गले इनक्रीज कर टॉप टू बॉटम गले डिक्रीज कर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एगुडा को जनरल फंडामेंटल व्यवहार कर सचेवा को पड़ो कि रिमेम्बर बोले गोटे एलिमेंट क्यों ग्रुप क्यों पीरियड अच्छी न जान पार तमें एमती अर्डर बाहर करवाटा कष्ट हम नेक्स्ट आई विल डू अनदर क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी द एलिमेंट्स आर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ट्रांसियम और एम टू अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप ट्रांसियम बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप इन सेकेंड ग्रुप द एलिमेंट्स आर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम लाइक दिस यू कैन थिंक अबाउट द अदर एलिमेंट्स बट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर प्रेजेंट लाइक दिस हियर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज प्रेजेंट द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम वी नो दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी गोज एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट द आयोनाइजेशन एनर्जी गोज एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हियर कैल्शियम इज प्रेजेंट बिलो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट बिलो बेरिलियम वी नो दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी गोज एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट मीन्स योर कैल्शियम हैविंग लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम लेस देन बेरिलियम ट्रांसियम प्रेजेंट बिलो द ग्रुप सो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांसियम इज हैविंग लेस सो हियर आई कैन राइट ट्रांसियम दैट मीन्स द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांसियम स्मॉलर देन कैल्शियम smaller than magnesium smaller than beryllium this is your answer our question is arrange the following elements according to their increasing order of their ionization energy so the increasing order of their ionization energy is tantalum smaller than calcium calcium smaller than magnesium magnesium smaller than beryllium this is all about your classification of elements and periodicity in properties Thank you. Have a nice day.